गाइस बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करने का टाइम आ चुका है, क्योंकि कल मुझसे एंड हीरो ब्राइन से हो जाती है एक बहुत बड़ी गलती, जिसका हर्जाना हमें हो सकता है कि आने वाले टाइम में चुकाना पड़े। अब ऐसी क्या गलती हुई मुझसे और हीरो ब्राइन से, वो जानने के लिए आपको आज की इस वाली वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना पड़ेगा। और उस गलती की वजह से हमने माइनक्राफ्ट के वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एंटिटी के जाल में फंस के उसको आजाद कर दिया है, और साथ ही उसकी हर एक कमजोरी के बारे में हमको पता था। लेकिन इस बार उस एंटिटी ने अपनी कमजोरियों को कुछ इस तरीके से छुपाया कि हमको भनक तक नहीं पड़ी, और जिसे देखकर ये लगता है कि अब वो एंटिटी पहले से कई ज्यादा समझदार हो चुका है, और हो सकता है कि आने वाले टाइम में वो अपना बदला लेने आए। और मैं जिस एंटिटी की बात कर रहा हूँ उसका नाम है ग्लिच। अब अगर आप ग्लिच को नहीं जानते तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा हीरोइन एसएमपी, जो कि हमने एक लिमिटेड टाइम के लिए स्टार्ट करी थी, एंड उस प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन में दे दूंगा, तो उसको आप चेकआउट कर सकते हो ग्लिच के बारे में और जानने के लिए, और तब आपको पता चलेगा कि वो एंटिटी कितना ज्यादा खतरनाक है और आने वाले टाइम में वो हमारे लिए बहुत बड़ी दिक्कत कर सकता है। लेकिन साथ ही साथ हमको उसकी कमजोरियों के बारे में भी पता है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या पिछली बार जिन कमजोरियों का यूज करके हमने उसको हराया था, क्या इस बार भी वही कमजोरियां हमारे काम आएगी, या फिर उसने अपनी कमजोरियों पे ओवरकम करके बन चुका है वो माइनक्राफ्ट का मोस्ट पावरफुल एंटिटी, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल के लिए अभी आप देखिए वो चीज जिस वजह से वो दरिंदा अभी आजाद घूम रहा है। एंड गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस वाली वीडियो पे एक लाइक कर देना, एंड गाइस अगर आप चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को ऑन पे कर देना। एंड अब चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। यार हीरो ब्राइन तुमने क्या कर दिया यार, ये अब मैं करूँ तो करूँ क्या इस वर्ल्ड में, इस वर्ल्ड के सारे रिसोर्सेस तो तुमने गायब करके वहां नेदर की छत पे रख दिए। अब मैं माइनिंग पे भी नहीं जा सकता क्योंकि मेरे को कुछ मिलेगा ही नहीं, डायमंड कोल कॉपर आयरन सब गायब कर दिया भाई तुमने इस वर्ल्ड से। अब करूँ तो करूँ क्या मैं इस वर्ल्ड में, क्या करूँ, क्या तुम्हें घूरता रहो बस यहाँ खड़े होके, तुम्हारी ऐसी की तैसी। एक काम करते हैं, इस वर्ल्ड को अब करते हैं डिलीट क्योंकि इसमें वैसे भी कुछ नहीं रहा, और एक नई जर्नी स्टार्ट करते हैं फिर से। बताओ ठीक तो करना क्या है इस वर्ल्ड में, बस ऐसे घूमते रहे पागलों की तरह क्या? क्या यहाँ से जाना है, कहाँ पे कहाँ जाना है, सर्वाइवल वर्ल्ड में? ओ हाँ, हमारा सर्वाइवल वर्ल्ड भी तो, उसमें इतने बड़े बड़े फार्म है, वहां चल के चलो वापस से मेहनत करते हैं। नहीं पता है मेरे को मेहनत का रास्ता तुम क्यों ही चूज करोगे, तो करना क्या है, क्या करना है? माई एसएमपी टेडी, तुम्हारी एसएमपी, तुम्हारी तो ऐसा, एक सेकंड, हीरोइन एसएमपी, सीरियसली तुम्हें पता है ना उसमें कितना बड़ा सीन हुआ था और कितनी मुश्किल से हम वहां से निकले थे, पता है ना, याद है ना, गिलिच को भूल गए, कितनी बुरी तरीके से आया था तुमको याद है? तो भाई हीरो ब्राइन नहीं यार, रिस्क नहीं लेते भाई, तुम्हें पता है वो गिलिच जो है वो कितना ज्यादा खतरनाक है, वो लिटरली अपने जो उसके सामने एंटिटी होता है उसकी डिट्टो पावर को वो कॉपी कर लेता है। ये 1v1 में उसको हराना टोटल इम्पॉसिबल है, वो तो सही टाइम पे हमें उसकी कमजोरी का पता चल गया था, वरना हमारा काम तमाम था। करना क्या है फिर वहां जाके हीरो ब्राइन? वो ओ भाई सॉरी सॉरी, ये लाइटनिंग क्यों करी, मरते मरते बचा मैं क्या, बताओ जल्दी उसमें करेंगे क्या जाके? तुम्हें वो गिलिच को देखना है, गिलिच को देखना है तुम्हें? यार वैसे हम बोर तो हो ही रहे हैं, तो मेरे हिसाब से ये सही रहेगा, चलो चल के देखते हैं और ये देखेंगे कि माइनक्राफ्ट वालों ने उसके साथ कुछ किया या फिर नहीं। ठीक है तो जाओ फिर अपनी मुर्गियों से मिलो लास्ट टाइम और फिर हम निकलते हैं यहाँ से। व्हाट, इतनी सारी मुर्गियाँ? हीरो ब्राइन, ओह नो, नहीं हीरो ब्राइन, नहीं, ओह शिट, नहीं, भागो, भाई गलती होगी, माफ कर दो, अरे यार, भाई सॉरी, आज का तो अभी मुर्गियों को नहीं मारूंगा, सॉरी माफ कर दो, सॉरी 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 सॉरी, सॉरी हीरो ब्राइन, अच्छा, मैं तो वर्ल्ड से एग्जिट कर रहा हूँ, वैसे भी इस वर्ल्ड में तो रहना नहीं है, हीरो ब्राइन चलो ना हीरोइन एसएमपी लेके चलो, अच्छा सॉरी मेरे को माफ कर दो, चलो ठीक है हीरोइन एसएमपी में चलते हैं, ठीक है चलो मेरे को लेके चलो फटाफट, लेट्स गो, हम आ गए हैं हीरोइन एसएमपी में। हीरो ब्राइन ये तुम्हारी एसएमपी है? नहीं ये तुम्हारी एसएमपी नहीं है, तुम्हें याद हो लास्ट टाइम हमने बिल्ड वगैरह तो बना ही नहीं पाए थे पीवीपी के चक्कर में, और हम बाहर भी नहीं जा पा रहे, क्या चल रहा है? हीरो ब्राइन मेरे हिसाब से तुम कहीं और लेके आ गए हो। तो नहीं यार ऐसा तो हो ही नहीं सकता, किसी ने भी बिल्ड नहीं बनाया था हीरोइन एसएमपी में। एक काम करता हूँ मैं यहाँ से मतलब निकल रहा हूँ, और तुम मेरे को वापस से वही हार्डकोर वर्ल्ड में मिलो, ठीक है? मेरे हिसाब से तुमने कुछ गलती कर दी है, ठीक है, या फिर मैं जा रहा हूँ हीरोइन एसएमपी में, तुम मेरे पीछे पीछे आना, ओके मैं डिस्कनेक्ट करता हूँ, एक सेकंड। व्हाट हीरो ब्राइन मैं डिस्कनेक्ट नहीं कर पा रहा,
तुम जा सकते हो क्या? तुम जा सकते हो क्या इस वर्ल्ड से? हाँ, तुम जा सकते हो तो मैं क्यों नहीं जा पा रहा? अच्छा तो एक काम और करते हैं ना, तुम मेरे को वापिस से हार्डकोर वर्ल्ड में लेके चलो। चलो क्या तुम मेरे को नहीं लेके जा पा रहे? शिट, ये क्या हो गया? अरे यार ये किस मुसीबत में फंस गए हम? हीरो ब्राइन, तुम अपनी पावर्स तो यूज कर पा रहे हो ना? ओके तो फिर तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे देखो कुछ लिखा हुआ है, स्टार्ट द गेम। मतलब कोई गेम, एक सेकंड, हम कोई गेम खेलने आए हैं हीरो ब्राइन? मस्ती मजाक तो नहीं कर रहे ना तुम? चलो तो फिर एक काम करते हैं, आगे चलते हैं, ठीक है? लेट्स गो। यहाँ पे सीढ़ियाँ दी है नीचे जाने के लिए, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बोर्ड रूम। व्हाट, कौन सा बोर्ड रूम है भाई यहाँ पे? यार हीरो ब्राइन नीचे तो कुछ भी नहीं है। एक काम करते हैं, ये स्टार्ट, ओ शिट, कुछ हुआ, कुछ आयरन का डोर खुला, मेरे को आवाज आई। अच्छा वो डोर नीचे खुला है यहाँ पे। यार हीरो ब्राइन यहाँ पे हर तरफ यही वाले ब्लॉक है, और ऊपर क्या लिखा गया, गो टू द बेड। एक सेकंड, मेरे को वापस बेड पे जाना है। हीरो ब्राइन एक काम करो यार, ये सब गेम नहीं खेलना है यार, मेरे को तोड़ के खत्म करो इसे भाई। निकलते हैं यार यहाँ से, इस कमरे से तो निकलना है, मैं नहीं निकल सकता, पर तुम तो अपनी पावर्स यूज कर पा रहे हो ना। चलो निकलते हैं यहाँ से, लेट्स गो, तोड़ो इन सबको। अरे हीरो ब्राइन मेरे ऊपर से वो चला गया, गो टू द बेड। अरे एक सेकंड, अरे हीरो ब्राइन ये क्या हुआ था? तुमने अपने यहाँ पे पावर्स का अपने यूज करके जैसे इस जगह को तोड़ना स्टार्ट करा, सब कुछ नॉर्मल हो गया पहले जैसा। शिट हीरो ब्राइन, भाई मेरे दिमाग में अभी के लिए बहुत गलत गलत चीजें आ रही हैं, कहीं ये सब ग्लिची तो नहीं कर रहा है? अरे नहीं, सब कुछ अच्छा होगा भाई, हमने तो उसको ट्रैप करा था भाई। वो बंदा अगर बाहर आ गया, पता चले उसने ही हमको यहाँ पे ट्रैप कर लिया, और किसी को पता भी नहीं चलेगा। अच्छा वाला एंटिटी और डेड लॉर्ड तो मल्टीवर्स में कहीं खो चुके हैं, अपना वाला एंटिटी वहाँ पोर्टल के पास में रखवाली कर रहा होगा। हीरो ब्राइन हमें कोई नहीं निकाल पाएगा यहाँ से। शिट, गलत ही पंगा ले लिया। अब मेरे हिसाब से एक ही तरीका है हीरो ब्राइन, इस गेम को ढंग से खेल के इस जगह से निकलने का। अगर ग्लिच ने हमारे लिए गेम रखा है तो चलो उसको दिखा देते हैं कि आखिर हम ऐसे छोटे मोटे गेम कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है? हम भी तो देखे उसने हमारे लिए किया क्या है। चलो फिर तैयार हो तुम? लेट्स गो। ओके नीचे वाला डोर खुला है, आ जाओ हीरो ब्राइन, अब नहीं डरने वाले हम किसी से, इस ग्लिच के बच्चे को दिखाई देते हैं। ओके यहाँ पे मैं आ गया, एंड अभी तो कुछ भी नहीं हो रहा। ओके इस डोर के पास, ये सारे डोर फिलहाल के लिए बंद है। ओ मेरी स्क्रीन पे लिखा है गो टू द बेड। चलो 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 बेड पे चलना है। हाँ बेड पे, बेड पे, ठीक है मैं बेड पे सो जाता हूँ। ओके तो मैं बेड पे सो चुका हूँ। शिट हीरो ब्राइन ये कहाँ गए हम? व्हाट, इतने सारे विलेजर? हेलो क्या हो गया भाई? हीरो ब्राइन मैं अपनी जगह से नहीं हिल पा रहा। शिट मैं चिपक के खड़ा हो गया हूँ एक जगह, और ये क्या हो रहा है? शिट नहीं, ये कहाँ भाई? ये विदर बन गए। शिट ये विदर, अरे भाई ये कहाँ गए? हीरो ब्राइन मैं डर गया था भाई, क्या था ये? दो सेकंड के मेरे सामने भाई कौन कौन हार था, विदर वगैरह अंधेरा हो गया। लेकिन सबसे बड़ी बात, हम आ कहाँ गए? यहाँ पे आर्मर वगैरह है, क्या चल रहा है ये? और हीरो ब्राइन हाँ ध्यान से भाई, अब हम यहाँ से, मेरे हिसाब से तो हम यहाँ पे फंस चुके हैं, और यहाँ से निकलने का सिर्फ एक ही तरीका है कि हमको ये जो भी चल रहा है ना, इस मिस्ट्री को सोल्व करना पड़ेगा, वरना हम यहाँ पे हमेशा के लिए फंस जाएंगे और हमको कोई निकाल भी नहीं पाएगा। तुमने देखा ना वहाँ पे, जैसे तुमने अपनी पावर्स यूज करी तो क्या हुआ था? हीरो ब्राइन तुम सुन रहे हो ना, देखो वहाँ पे क्या हुआ था। तो आप अपनी पावर्स को भूल के भी यूज मत करना, ठीक है? क्या पता इस बार कुछ अलग ही चीज हो जाए। ओके मेरे को आर्मर दे रहा है, ओके मैं ये आर्मर पहन लेता हूँ। ओ एक सेकंड हीरो ब्राइन मेरे पास एक बुक भी आ गई, ये पहले तो नहीं थी। लीवर्स लोकेशन, हाउस, वेल, फार्म, हॉर्स स्टेबल, विंडमिल, ये क्या है? लीवर्स की लोकेशन मिली हमें। मेरे हिसाब से तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये कुछ पजल टाइप है, जिसने भी हमको यहाँ पे मतलब ट्रैप किया है ना, वो चाहता है कि हम एक पजल सोल्व करें उसके लिए, या फिर वो हमसे बस मजे ले रहा है। क्या है यहाँ पे? चेस्ट है। चेस्ट में और भी आर्मर है, तुम्हें चाहिए तो तुम ले सकते हो, मेरे को तो नहीं चाहिए। ठीक है हीरो ब्राइन चलो अब आगे बढ़ते हैं, फटाफट उस लीवर्स को ढूंढते हैं। यार ये कहाँ फंस गए भाई? मेरे को बस एक ही चीज मेरे दिमाग में आ रही है हीरो ब्राइन, देखो तुम अपने पावर्स यूज कर रहे हो तो पता नहीं यहाँ पे कुछ भी अजीब हो रहा है, और हम वापस यहाँ पे ट्रैप हो जा रहे हैं। और दूसरी बात भाई, किसी को पता नहीं है कि हम कहाँ पे है, समझ रहे हो तुम? कोई एंटिटी नहीं है हमको बचाने वाला, तो जो करना है हमें खुद को करना पड़ेगा जल्द से जल्द। हीरो ब्राइन वो बुक देना मेरे को, वो बुक देना मेरे को, टू द पजल रूम। एक बार तुम मेरे को बुक दो, वो इस बुक में लिखा है हाउस, हाउस के अंदर एक लीवर है, मतलब कि इस हाउस के अंदर एक लीवर है। हीरो ब्राइन ऊपर तो मेरे हिसाब से कहीं पे भी नहीं था, ऊपर तो गिनी चुनी चेस्ट यहाँ पे नहीं था। हीरो ब्राइन हो ना हो नीचे एक लीवर है, लेकिन फिर भी हीरो ब्राइन तुम ऊपर देखो मैं नीचे देखता हूँ, गाइस कहीं पे कहीं तो लीवर है भाई। ये कहाँ फंस गया यार अब? टू द पजल रूम में तो नहीं जाना भाई, पहले यहाँ वाली चाबी ढूंढनी है। ओके इसके अंदर बहुत सारे ब्रेड्स हैं एंड एप्पल्स हैं एंड ये वाटर बॉटल्स है भाई, सब ले लेता हूँ, क्या पता क्या काम आ जाए भाई आगे जाके। चलो गाइस अब आगे चलता हूँ, फर्नेस के अंदर कोल है एंड एक सेकंड, हीरो ब्राइन लेट्स गो, मेरे को हाउस वाला लीवर मिल गया, फर्नेस के अंदर था। ठीक है पहला लीवर हमको मिल चुका है हीरो ब्राइन, लेकिन अभी भी वेल, फार्म,
हॉर्स टेबल एंड विंड मिल वाला बचा है। तो चलो फिर ढूंढते हैं इन चारों को फटाफट, और इनको ढूंढ के फटाफट यहाँ से निकलते हैं। लेट्स गो हीरो ब्रेन, बाहर चलते हैं। क्या हुआ, क्या पजल रूम में जाना है पहले? अरे यार इसने बटन भी शिट, भाई ये इतनी जल्दी डिसीजन क्यों ले रहा है? लिटरली हम यहाँ पे भाई एक अनजान जगह है, फंसे हुए, हमको पता नहीं क्या चल रहा है, और इसको इसने बटन दबा दिया। अरे इसने दबाया तो मेरे को तो दबाना ही पड़ेगा। लेट्स गो हीरो ब्रेन, इतनी जल्दी फैसले मतलब क्या करना है? मेरे पास एक लीवर है। हाँ एक सेकंड, ये क्या है? प्लेस हेयर दी लीवर्स, 1 2 3 4 5, ठीक है 5 आयरन ब्लॉक है और 5 लीवर है। ओके हर आयरन ब्लॉक पे हमको एक लीवर लगाना है। लेट्स गो, पहले वाले लगा दिया हीरो ब्रेन। चलो फटाफट चलते हैं दूसरे वाले पे। लेकिन वापस कैसे जाएंगे? कैसे जाएंगे वापस? अच्छा ये बटन दबा के, ठीक है मैं भी आ रहा हूँ। ओ मैं भी आ गया, अब यहाँ से बाहर निकलते हैं। वो जो गेट था ना, अब हमको फार्म ढूंढना हीरो ब्रेन। वैसे हीरो ब्रेन यहाँ पे बहुत छोटे छोटे फार्म है, लेकिन हम इनका मेरे हिसाब से तो इनमें चाबी नहीं होगी, है ना हीरो ब्रेन? एक सेकंड, ये क्या है हीरो ब्रेन? यहाँ से रास्ते जा रहे हैं, मेरे हिसाब से ये एक मेज है। शिट भाई यहाँ पे एक और रास्ता है, यहाँ भी एक रास्ता है, और उस साइड भी एक रास्ता होना चाहिए, मतलब कि इस घर के चारों तरफ से एक एक रास्ता जा रहा है। शिट भाई हीरो ब्रेन, चार रास्तों के लिए चार चार जगह है, मतलब हमको चार चार भूल भुलैया से होके जाना है। शिट यार एक काम करते हीरो ब्रेन, सबसे पहले इससे चलते हैं मेरे हिसाब से, क्या बोलते हो? वैसे चारों में ही जाना होगा मेरे हिसाब से तो, क्योंकि चार रास्ते हैं, तो शुरुआत इससे करते हैं, ठीक है? ओके समझ गए तुम, तो चलो फिर आओ लेट्स गो। अब मैं और हीरो ब्रेन नॉर्मली हीरोइन एसएमपी के अंदर आए थे ग्लिच को देखने, बट वहां पे कुछ अलग ही पजल वगैरह बनी हुई थी, और ये चीज मेरे को अब पता चलती है कि ये सारा का सारा उसी का ट्रैप था, और आगे देखते जाओ वो क्या करता है। चलो हीरो ब्रेन इस वाले रास्ते पे चलते हैं। देखो तुम्हारे पास तो पावर्स है, ठीक है, लेकिन मेरे पास यार अभी फिलहाल के लिए पावर्स नहीं है, और मेरे को नहीं पता ये रास्ता कैसा, और मेज का रास्ता देखो आपको वैसे भी नहीं पता। लिटरली जो मेज होती है उसमें तो मतलब तुक्का लगाना होता है, तो तुक्का तो तुम भी लगा सकते हो, है ना? और तुम आगे रहो, क्योंकि अगर कोई भी ट्रैप हुआ तो उसे तुम्हें तो डैमेज होगा नहीं, बट अगर मैं आगे चला और मैं उस ट्रैप में ट्रैप हो गया तो दिक्कत हो जाएगी, समझो ना? तो काम करते तुम आगे चलो, मैं तुम्हारे पीछे पीछे चल रहा हूँ, और वैसे भी कहीं पे भी कुछ भी सस्पिशियस लगेगा तो मैं तुम्हें बता ही दूंगा, ठीक है? चलो लेट्स गो। ठीक है हीरो ब्रेन, हमने सारे रास्ते स्किप कर दिए। हीरो ब्रेन याद रखना, एक बार इसके अंदर घुस गए ना तो मेरे को नहीं लग रहा हम वापस निकल पाएंगे। भाई कितने ज्यादा भूल भुलैया वाले रास्ते हैं यहाँ पे, तो मेरे को कुछ दिख रहा है वहां पे, कुछ लाइन दिख रही है हीरो ब्रेन, यहाँ पे कुछ तो है, ये देखो मेरे को कुछ दिख रहा है, हो सकता है यही क्लू हो इसका, बट फिर भी हम इस रास्ते को फॉलो करके तो ऐसे नहीं जा सकते। अब क्या करें, लेफ्ट जाए राइट जाए? लेट्स गो हीरो ब्रेन। ओके हमने लेफ्ट वाला रास्ता और राइट वाला रास्ता भी स्किप कर दिया। ओके मैं इसके पीछे पीछे चल रहा हूँ। हीरो ब्रेन देख लो, बहुत बड़ी भूल भुलैया है यार ये। मेरे को तो लग भी नहीं रहा कि हम वापिस जहां से स्टार्ट कर था हम वहां भी पहुंच पाएंगे। भाई टोटली तुक्केबाजी चल रही है यार। आपका जाना हीरो ब्रेन लेफ्ट या राइट? ओके हीरो ब्रेन लेफ्ट गया है। भाई फिर से दो रास्ते, भाई चल कर आइए। हीरो ब्रेन प्लीज खो मत जाना यार, मैं तुम्हारे जस्ट पीछे पीछे हूँ, ठीक है? अब क्या करना है, यहाँ से राइट जाना है या सीधे? ओके हीरो ब्रेन को लग रहा है कि हमको सीधा जाना चाहिए। ओके फिर लेफ्ट, भाई क्या चल रहा है ये? हीरो ब्रेन पता चले हम दूसरे गेट से निकल जाए, ठीक है अब क्या करना है? राइट, ओके सीधा, ओ लेट्स गो, यस। लेकिन एक सेकंड, हम कहीं वापस तो वहीं नहीं आ गए हीरो ब्रेन? मेरे हिसाब से हम दूसरे रास्ते से बाहर आ गए। फार्म फार्म, ओके एक सेकंड, फार्म लेट्स गो, हमने एक रास्ता ढूंढ लिया, ये हीरो ब्रेन लेट्स गो। भाई तुम्हारा तुक्का तो कमाल का है, और अभी तुम्हें मारा मैंने तो मतलब तुम अपनी पावर्स भी यूज नहीं कर रहे। हाँ पावर्स यूज मत करना हीरो ब्रेन, वरना हम वापस ट्रैप हो जाएंगे, ठीक है? हीरो ब्रेन स्टार्ट हो जाओ, हमको फटाफट यहाँ पे चाबी ढूंढनी है, ठीक है? यहीं कहीं मिलेंगे, जल्दी जल्दी ढूंढो, मैं देखता हूँ कहाँ कहाँ पे। ओके इसके अंदर तो स्टोन की हो है और एक लीड है, ये ले लेता हूँ, क्या पता कुछ काम आ जाए। हीरो ब्रेन फटाफट सब कुछ चेक करो जल्दी जल्दी। हीरो ब्रेन यहाँ तो खाना भी है यार बहुत सारा, ठीक है यहाँ कहीं नहीं है, कहीं कहीं नहीं है। ओके ये ट्रैप डोर्स के नीचे भी तो कुछ चेस्ट। हीरो ब्रेन, यार हीरो ब्रेन मिल गया दूसरा लीवर भी। कहाँ हो तुम हीरो ब्रेन? लेट्स गो। एक बात बताओ, इस वाले घर से हम पजल रूम में जा सकते हैं? रास्ता है क्या? कहाँ है? फिर लेके चलो जल्दी, चलो 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 दूसरा लीवर भी लगा देते हैं। लेट्स गो हीरो ब्रेन, कहाँ है रास्ता? एक सेकंड, ये रहा। ओ
पजल रूम। ओके ये रहा बटन, दबाऊं? दबाओ ना, लेट्स गो, हम पजल रूम में आ गए। हीरो ब्रेन आ जाओ, दूसरा लीवर भी लगा देता हूँ। भाई दो लीवर तो हमने चुटकियों में ढूंढ लिए हीरो ब्रेन, मेरे को ऐसी फील आ रही है आगे वाले तीन लीवर बहुत ज्यादा खतरनाक जगह पे होने वाले। देखो हाउस कंप्लीट हो गया, फार्म कंप्लीट हो गया, अब वेल, हॉर्स स्टेबल और विंड मिल बचा है। चलो फटाफट इन तीनों जगहों को ढूंढते हैं, लेट्स गो बैक टू द हाउस। हीरो ब्रेन याद है ना वो रास्ता, वो शायद ये वाला रास्ता था जिससे हम गए थे। ठीक है तो यहाँ पे हम, ओके ये घास टूट रही है। हीरो ब्रेन क्या करना है, इधर वाले रास्ते चलना है या उधर वाले से? ज्यादा तुम बोलो भाई, तुम्हारी तुक्केबाजी बहुत टॉप लेवल की है भाई साहब, तुम क्या ही पजल सोल्व कर रहे थे। ओके यहाँ पे भी एक रास्ता है, हाँ ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा, चलो इससे चलना है तो तुम ही आगे रहो भाई, मैं रिस्क नहीं लूंगा हीरो ब्रेन, प्लीज यार मान जाओ भाई यार, तुम्हारे पीछे पीछे हूँ मैं। ठीक है और वैसे भी इसमें कोई दिमाग लगाने ही नहीं है, किस्मत का खेल है सब कुछ। चलो फिर आगे चलो तुम, लेट्स गो। ओके हीरो ब्रेन भाई कितने सारे रास्ते हैं, लेफ्ट नहीं जाना, इधर भी नहीं जाना, राइट चले क्या? पर इसका मन शायद लेफ्ट का, लेफ्ट लेके जा रहा है भाई, मैं समझ गया गाइस, जो मैं बोलूंगा ना ये उसका अपोजिट ही करेगा जहां तक है। क्या करना है भाई, राइट चलाएंगे, राइट चलाएंगे, लेफ्ट पता था मेरे को भाई, ये बंदा भाई क्या ही बोलूं मैं इसको। हीरो ब्रेन राइट चलते हैं ना यार, कभी तो राइट चलो यार, हर बार लेफ्ट जा रहे हो यार हीरो ब्रेन, प्लीज एक बार चलो। यस राइट चले गए, यस देखा ऐसे बोल रहा, मेरी बात मानोगे तो जल्दी पहुंच जाएंगे हम। देखो देखो राइट चलते रहे, एक काम करते हैं हर बार राइट लेते हैं हीरो ब्रेन, हर बार राइट चलते हैं। क्या हुआ? अच्छा मैं तुम्हें अच्छा ये मेरे को मार के गाइस, पता क्या बोल रहा है कि मैं इसके कॉन्सेंट्रेशन इसकी बेकार कर रहा हूँ मैं। ठीक है तो मैं ठीक है अब कम बोलता हूँ। ओके यार लेकिन ये क्या भूल भुल गया भाई, बहुत ही अजीब भूल भुल गया। हीरो ब्रेन इधर रास्ता खत्म है, हीरो ब्रेन इधर रास्ता खत्म है, इधर भी रास्ता खत्म है, मतलब हमको लेफ्ट ही जाना है। चलो ओ लेट्स गो, हीरो ब्रेन विंडमिल ढूंढ लिया। अरे यार भाई क्या चल रहा है ये विंडमिल। ठीक है हीरो ब्रेन लग जाओ फटाफट, यहाँ पे कहीं पे लीवर होगा। यस यस लीवर लीवर बेटा कहाँ पे हो, लीवर बेटा कहाँ पे छुपे हुए हो? ओके हीरो ब्रेन ट्रैप डोर को ध्यान से, कई बार क्या होता है ना ट्रैप डोर के आसपास होता है। हाँ वो चेक करो, मैं ऊपर जाके देखता हूँ, यहाँ लैडर है ठीक है ऊपर एंड ओके, यहाँ कहीं नहीं है, कहीं नहीं है यहाँ भी। ओ लीवर हीरो ब्रेन मिल गया। मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया। अब यहाँ पे कहीं पे वो पजल रूम वाला बटन ढूंढना है। चलो तीन लीवर मिल गए, दो और बाकी है। हीरो ब्रेन तुम्हारी और मेरी जोड़ी कमाल की है भाई, चलो फटाफट उस बटन को ढूंढते हैं। लेट्स गो हीरो ब्रेन आ जाओ बाहर चलते हैं, अब वो वाला बटन ढूंढना है मेरे हिसाब से। हीरो ब्रेन मैं ऊपर चेक करना भूल गया यार, मैं ऊपर देखता हूँ एक बार। हीरो ब्रेन ऊपर तो कहीं पे भी नहीं दिख रहा यार, नीचे देखते हैं नीचे कहीं पे होगा। अरे यार ये मेरे को वीट सीट मिल गए। हीरो ब्रेन मेरे हिसाब से, हीरो ब्रेन ये रहा, ये एक बटन है। थ्री टू वन लेट्स गो हम वापिस से पजल रूम में आ गए। हीरो ब्रेन अजी जल्दी ये तीन लीवर ढूंढिए, ठीक है अब दो और ढूंढने हैं। चलो वापस चलो, जल्दी जल्दी खत्म करते हैं भाई ये जो भी बला है, हम अभी फिलहाल के लिए हमारी स्पीड बहुत ज्यादा अच्छी है, अब उन दो रास्तों पे और जाना है हमको। चलो 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 चलो, अब देखो उधर वाले दो रास्तों में तो हम चले गए, अब है इस वाले रास्ते की बारी। ठीक है तो अब सुनो मैं जा रहा हूँ सबसे आगे, क्योंकि उन दोनों रास्तों में कोई भी खतरा नहीं था, तो मतलब मैं भी अपना तुक्का आजमा सकता हूँ और देखते हैं मेरा तुक्का काम करता है कि नहीं। अब देखो यार मतलब हीरो ब्रेन यार देखो मतलब अगर खोएंगे तो दोनों साथ में खोएंगे, और इस जगह से निकलेंगे तो दोनों साथ में निकलेंगे, वरना यही घर बसा लेंगे यार, खाने वगैरह के लिए तो है ही है ना, जगह बुरी नहीं है, है ना, शांति तो एटलीस्ट यहाँ पे, और कोई है तो नहीं है एंटिटी ऐसे जो हमें परेशान करे, है ना, बढ़िया जगह है ना। चलो तो फिर मैं चलता हूँ आगे। तो मेरे हिसाब से इस बार हम राइट नहीं लेंगे, हम लेंगे लेफ्ट, आ जाओ ठीक है, उसके बाद हमें लेफ्ट और राइट चलते हैं। ठीक है उसके बाद ये रास्ता मेरे को सही लग रहा है, इधर चलते हैं, यहाँ से ज़्यादा सीधे जाने को मिल रहा है। ठीक है उसके बाद हम लेते हैं मेरे हिसाब से राइट लेते हैं, लेफ्ट में तो रास्ता ही नहीं है तो राइट ही जा सकते हैं। तो हीरो ब्रेन यहाँ से लेफ्ट जाना चाहिए या फिर राइट? मेरे हिसाब से राइट चलते हैं। ठीक है एंड यहाँ पे फिर से दो रास्ते आ गए, तो वापस से राइट चलते हैं। अब इसके बाद एक काम करते हैं, यहाँ से हम लेफ्ट चलते हैं ठीक है, उसके बाद हम यहाँ से चलेंगे वापस राइट, एंड इसके बाद रास्ता बंद है तो हम एक काम करेंगे यहाँ चलते हैं। ठीक है उसके बाद हमको क्या करना है, लेफ्ट लेना है। एक सेकेंड हीरो ब्रेन नहीं हीरो ब्रेन, अरे यार खोना नहीं था भाई, हीरो ब्रेन
अरे यार नहीं भाई नहीं, शिट 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 शिट, चार साथ मैं यार कुछ ज्यादा मगन होके जल्दी जल्दी चलने लगा भाई, शिट। अरे यार मैं खुद नहीं पता मैं कहाँ कंफ्यूज हो गया। हीरो ब्राइन यार नहीं, हीरो ब्राइन भाई वो अपनी पावर्स भी यूज नहीं कर सकता क्योंकि उसे ही पता है अगर उसने अपनी पावर्स यूज करी तो हमको सब कुछ वापस से स्टार्ट करना पड़ेगा या फिर पता नहीं क्या हो जाएगा या फिर हम पता नहीं कोई नई जगह पहुंच जाएंगे। अब क्या करें भाई मेरे को समझ में नहीं आ रहा भाई, अब तो मैं बिल्कुल कंप्लीटली खो गया, समझ नहीं आ रहा किधर से आया था किधर को जाना है। शिट यार हीरो ब्राइन नहीं यार, अरे यार भाई जाओ तो जाओ कहाँ, समझ नहीं आ रहा भाई कहीं नहीं दिख रहा यार हीरो ब्राइन, अरे यार यहाँ भी नहीं है। ओके हीरो ब्राइन गाइस हम तो फंस गए भाई, मैं गाइस मेरे को लग रहा है कि यहाँ रास्ते बनते ठीक है तो यहाँ से भाई क्या करूँ। हीरो ब्राइन, हीरो ब्राइन कहाँ हो यार तुम, शिट हीरो ब्राइन, हीरो ब्राइन अरे यार ये कहीं पे भी नहीं है, यहाँ का रास्ता बंद है, अब इसके बाद कहाँ जाओ तो जाओ कहाँ। अरे यार भाई ओ एक सेकंड ये क्या है, होर्ड स्टेप भाई क्या जगह है ये भाई, मैं तुक्के हीरो ब्राइन भाई वो कहीं यहाँ पे मेरे से पहले तो नहीं आ गया। हीरो ब्राइन भाई, हीरो ब्राइन यार नहीं, शिट भाई अब इस भूल भुलैया में मैं उसको कैसे ढूंढू गाइस। शिट होर्स्टेबल कहाँ चाबी थी, देखो हमको हाउस से मिल चुकी है, आम से हमको मिल चुकी है, होर्स्टेबल से अभी मैं ढूंढ लूंगा, उसके बाद विंड मिल से भी हमको मिल चुका है, तो सिर्फ वेल बचा है। लेकिन हीरो ब्राइन यार एक सेकंड, अभी इस होर्स्टेबल में मैं आई गया हूँ तो चाबी ढूंढता हूँ सबसे पहले, हीरो ब्राइन का तो मैं फिर भी ढूंढ लूंगा। एक सेकंड इस होपर में नहीं है भाई, यहाँ तो कुछ ज्यादा जगह ही नहीं है यार रखने की। एक सेकंड यहाँ एक और होपर है, इसमें भी नहीं है भाई, चेस्ट वगैरह तो है ही नहीं यार, मैं कुछ मिस कर, ओ यहाँ पे बैरल्स है ठीक है, इनमें है क्या, नहीं इनमें भी नहीं है भाई, भाई कहाँ है यार। ओके यहाँ पे और होपर्स नहीं है, इस वाले होपर में क्या है, ओ लेट्स गो लीवर मिल गया, जस्ट इमेजिन मेरे दिमाग में अभी आया, देखो अगर मैं इस मेज के अंदर वापस जाऊंगा तो मैं खो जाऊंगा ठीक है, और हीरो ब्राइन से कभी नहीं मिल पाऊंगा, क्या पता मिल भी पाऊं ना मिल पाऊं। लेकिन अगर मैं पजल रूम में जाऊंगा तो मैं वहां पे लीवर भी लगा दूंगा, और अगर गलती से भी हीरो ब्राइन हाउस तक पहुंच गया या फिर उसको वो वेल मिल गया तो वो भी मेरे हिसाब से पजल रूम में आएगा, तो एक इकलौती जगह पजल रूम ही है जहां पे हम दोनों मिल सकते हैं, वरना अगर मैं इसके अंदर घुसा तो बहुत कम चांसेस है कि मैं उससे मिलूं। तो अब जो भी करना है भाई हीरो ब्राइन को करना पड़ेगा, फिलहाल के लिए मैं फटाफट से भाई उस बटन को ढूंढता हूं जिससे मैं पजल रूम में जाऊंगा। अब अंदर की तरफ तो मेरे को वो बटन कहीं पे भी नहीं मिला, एक सेकंड मैं यहाँ पे भी कहीं नहीं है भाई, बटन कहाँ पे हो सकता है, पेड़ों पे हो सकता है क्या, ओ ये रहा यही वो बटन हो सकता है। ओके हीरो ब्राइन तुम यहाँ पे हो क्या भाई, प्लीज अंदर, उसने एक लीवर लगा, नहीं भाई अभी तक भाई तीन लीवर है, मतलब कि हीरो ब्राइन जो है वो अभी भी खो रखा है, तो मैं यहाँ पे फोर्थ लीवर लगा लेता हूँ। तो गाइस अब मैं करूँ तो करूँ क्या भाई, एक सेकंड मैं वापस से जाके भाई एक काम करता हूँ, होम पे उसका वेट करता हूँ भाई, अगर उसको आना होगा तो वो यहीं पे आएगा, मैं बाहर उसका वेट करता हूँ यार उस रास्ते के सामने खड़ा होकर, क्या पता वो वहां से आ जाए वापस। तो गाइस वो होता है ये वाला रास्ता, यहीं से हम गए थे, तो यहीं पे खड़ा होकर मैं हीरो ब्राइन का वेट करता हूँ, प्लीज यार हीरो ब्राइन आ जाओ यार। यार गाइस मेरे को 3 घंटे हो चुके हैं भाई यहाँ पे खड़े खड़े, बट हीरो ब्राइन का कुछ अब ग्लिच हम पे हमला नहीं कर रहा था, जस्ट वो हमको ऑब्जर्व कर रहा था दूर से, और वो एक सही मौके की तलाश में था जो कि उसको आगे जाकर मिलता भी है। यहाँ पर ग्लिच मेरे पे हमला करने वाला था, बट सही टाइम पर हीरो ब्राइन आ जाता है, और अब हम इस पजल से निकलने के बहुत ज्यादा क्लोज थे, लेकिन फिर होता है कुछ अनएक्सपेक्टेड। हीरो ब्राइन लेट्स गो, तुम लीवर लास्ट वाले लीवर मिल गया, लेट्स गो यस, चलो 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 जल्दी लगाते हैं भाई, मैंने भी लगा भाई। हीरो ब्राइन मैं 3 घंटे से खड़ा था यार, मेरे को लगा था ना कि अब हम कभी नहीं मिल पाएंगे, मैं सच में उस मेज में जाने वाला था तुम्हें ढूंढने। यार हीरो ब्राइन तुमने डरा दिया था यार मेरे को एक सेकंड को, चलो जल्दी पजल रूम में चलते हैं। अच्छा हीरो ब्राइन एक बात बताओ, फिर वो लास्ट वाले रास्ते में क्या था, वहां पे कुछ तो होगा ना, खैर छोड़ो हमें क्या, हमें तो सारे लीवर मिल गए, चलो जल्दी आओ पजल रूम में और यहाँ से निकलते हैं भाई इस मनुष्य जगह से।
भाई हीरो ब्राइन आ जाओ जल्दी आओ फटाफट इस मनुष्य जगह से निकलते हैं लेट्स गो। एंड ये मैंने लगाया लास्ट लीवर। हीरो ब्राइन तैयार हो? भाई बहुत डर गया था यार मैं जब तुम मेरे से अलग हुए थे, मेरे को लगा हमको कोई बचाने वाला भी नहीं रहा, हम दोनों भी अलग अलग हो गए। ठीक है तैयार हो? फर्स्ट लीवर नीचे किया, दूसरा लीवर नीचे किया, तीसरा लीवर नीचे किया, चौथा किया, पांचवा किया। लेट्स गो, कुछ बीकन वगैरह एक्टिव। लेट्स गो हीरो ब्राइन, हम उस बुरी जगह से बाहर निकल गए और ये कहां गए हम? हीरो ब्राइन मेरे हिसाब से भाई तुम कहीं और ही पहुंच गए थे, तुमने गलती कर दी। और अब मैं तुम्हें बता दूं मैं नहीं जा रहा हीरोइन एसएमपी में, मुझे टेडी एसएमपी में वापस लेके चलो और वहां पे जाके देखते हैं कि वो डेड लोड और अच्छा वाला एंटिटी वापस आई कि नहीं। ठीक है अब टेडी एसएमपी से बाहर ही नहीं निकल रहे भाई, नई सीरीज वीरीज कुछ स्टार्ट नहीं कर रहे, चलो टेडी एसएमपी में, अब टेडी एसएमपी में ही खेलेंगे। ठीक है समझ गए, वहां पे हमारे बाकी के दोस्त भी इंतजार कर रहे होंगे हमारा, चलो यहां से निकलते हैं। और गाइस कुछ इसी तरीके से ग्लिच ने हीरो ब्राइन की पावर्स का यूज किया हीरोइन एसएमपी से निकलने के लिए, और अब आने वाला टाइम बताएगा कि वो करता क्या है।